मुख्यमंत्री द्वारा माउंट आबू के निर्माण कार्यों के निर्देशों के बाद राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए बाइलोज एवं S2 जोन के बारे में माउंट आबू कांग्रेस के पदाधिकारियों सांसद नीरज डांगी मुख्यमंत्री के सलाहकार संयम लोढ़ा की उपस्थिति में कहा गया कि आपकी मंशा के अनुरूप जनता को नहीं मिल रही है स्वीकृति, जिस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिरोही के जिला कलेक्टर भवरलाल को निर्देश दिए कि जनता को राहत मिलनी चाहिए और माउंट आबू की समस्या का समाधान शीघ्र होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब राज्य सरकार चाहती है तो जनता को अब तक राहत क्यों नहीं मिली। मीडिया के द्वारा पूछे गए सवाल में भी उन्होंने कहा कि अगर अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं तो मीडिया को भी चुप नहीं रहना चाहिए, ऐसे मामले उठाकर राज्य सरकार के ध्यान में लाया जाना चाहिए जिससे जनता को राहत मिल सके। सुरक्षा के बारे में हमने मेरे लेटर पेड पे अशोक गहलोत साहब को लिख के दे दिया कि सर माउंट आबू में कोई कार्य नहीं हो रहे हैं और निर्माण कार्य में रोक लगी हुई है और यहाँ साल का डैम भी नहीं बना, ये मैंने पूरा उनको लेटर दोनों लेटर लिख के दे दिए और अशोक गहलोत साहब ने पांच कलेक्टर साहब खड़े हुए थे उनको बताया कि सब क्या बात है ये, इसकी पूरी जांच करो, काम क्यों नहीं हो रहे, पट्टे क्यों नहीं मिल रहे, डैम क्यों नहीं मिल रहा। अब्दुल अली ईरानी की रिपोर्ट।